क्या ये फिल्म म्यूजिक प्रधान है या कुछ और बेस है इसके बारे में? ये म्यूज़िक प्रधान तो नहीं कहूँगा मैं, म्यूज़िकल मूवी नहीं है ये। ये जैसा मैंने कहा, एक पावर के लिए आदमी जो कुछ कर डालता है, जहाँ तक रह जाता है, जो जिस हद तक पहुँच जाता है, उससे क्या रिट्रीब्यूशंस होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये बेस, ये कहानी का ये बेस है। अब इसके साथ एक रोमांटिक ट्रैक भी है, एक ऐसा भी ट्रैक है जो मेरे साथ जो हेंचमैन है दूसरा काशी, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी है, फिर आदमी क्या अपने अपने डिसीजंस लेता है ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में। तो मेनली कहानी उस चीज़ पर बेस्ड है। बार काजल का नाम भी अपनी जबान से मत लेना, ओम से बच के रहना, कहीं ये बाजी ना मार ले। यहाँ किस कितनी हिम्मत है जो टेंडर भरेगा? मेरा कैरेक्टर ओम का है, एक लड़का है जो वन ऑफ द हेंचमैन है बहुबली, हमारे दद्दा हैं जो उनका, तो उनके ऑर्डर पे ये काम करता है। अब उनके ऑर्डर पे ऐसा है कि इसे ये एक इनोसेंट बंदा है, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो कर देता है। तुझे मैंने फूल में ना मिलाया तो मेरा नाम तेज सिंह नहीं। इसमें गाने तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरीले हैं। एक प्रमोशनल सॉन्ग हमने शूट किया था यूपी के शेर, वो मुझे बहुत पसंद है। सब से ऊंची अपनी बात है, हम जो बोले दिन भी रात है। जो सॉन्ग है वो एक सेंटिमेंटल सॉन्ग है और ऐसे सिचुएशन बेस्ड है जो कि कहानी को आगे बढ़ाता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग तेरे लिए। जज्बात मेरे, एहसास मेरे, पल खास मेरे तेरे लिए, बातें देखिए, कोई भी कंपनी जो कि नए लोगों को काम दे रही है, नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है अपनी प्रतिभा दिखाने का, हम जैसे आर्टिस्ट को, उसके लिए तो मतलब हमारा शत शत प्रणाम है कि वो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है कि हम अपने ऑडियंस तक पहुँच पाए। और जैसा कि कहा, MD हमारे फौजी आरसी जी जो मैम हैं, वो खुद एक सिंगर हैं और वो जानती हैं कि एक टैलेंट, एक आर्टिस्ट होना क्या होता है। तो एक आर्टिस्ट को ज़रूरी है कि उसकी ऑडियंस तक पहुंचाया जाए, और अगर ये मीडियम हमको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए तो वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू देम। देखिए, योगदान तो बहुत बड़ा है। जैसा मैंने कहा कि एक आर्टिस्ट को उसके ऑडियंस तक पहुंचाने का जो मीडियम है, तो ये अगर ऐसी चीज़ें और उभरती हैं, ऐसी कंपनीज और आती हैं जो कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, हमारे, मैं जहां मुंबई में रहता हूं वहां पे इतने सारे आर्टिस्ट हैं जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, अगर ऐसी कंपनीज आती हैं और ऐसी कंपनीज ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करती हैं, देती हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग ये सपना लेकर आते हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई सराहे, तो ऐसी चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। कितनी खूबसूरत हो तुम काजल, लेकिन मिलोगी सिर्फ एक को। देखिए, ये फिल्म बहुत ही
जिस जनता के लिए बनी हुई है, मतलब जो नॉर्थ का हम लोगों ने एक फ्लेवर दिया है उसमें डीप रूटेड है, तो आदमी जब उस चीज़ को देखेगा तो वहाँ का वो फ्लेवर वो देख पाएगा। और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जो कि हम लोग अपने प्राइड इश्यूज रहते हैं या फिर जेलसी रहती है और सत्ता के लिए जिस तरह से लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, जिस हद तक जाते हैं, उस चीज़ का क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं हमारे उन लोगों पर जिन पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनको प्यार करते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी निकल कर आती है इस फिल्म से। ये बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा इसकी USP है इस फिल्म की, कि ये सिंपल है, एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है।